हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। तो देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसे कहते हैं? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब प्रेगनेंसी लगने वाली ब्लीडिंग, यानी कि जब बच्चा आपके बच्चेदानी के अंदर वाली दीवार से चिपकता है, वहां पे अपनी जगह बनाता है, तो कुछ ब्लड वेसल डैमेज होती है जिसके कारण की हल्की हमको स्पॉटिंग में ब्लीडिंग होती है कुछ महिलाओं को, यानी कि कुछ महिलाओं को होती है, कुछ को नहीं होती है प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम पे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है जानने की, तो आप बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान पे। लेकिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट अपने पीरियड के ड्यू डेट पे करती हैं तो ये ज्यादा आपके लिए सही रहता है, ज्यादा एक्यूरेट वहाँ पे आता है आपका रिजल्ट। क्योंकि देखिए, जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे काफी कम हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, जिससे कि हल्की पिंक लाइन भी आ सकती है आपके किट में, या फिर हल्की फेद लाइन आपको दिख सकती है, जिससे कि आप टेंशन में आ जाएंगे या फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेट जानने के लिए आप अपनी जो पीरियड डेट है उसका वेट कीजिए। अगर पीरियड मिस हो जाती है तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, सही से आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। कोई भी सवाल है आपका डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।